नमस्कार, स्ट्रीट बस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सांग। आगे बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। कोरोना की तीसरी लहर काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों में इजाफा हो रहा है। इसके बावजूद भी लोग लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। बाजारों में ना तो लोग मास्क पहनकर निकलते हैं और ना ही सरकार के गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। वहीं सरकार एक तरफ लोगों से मास्क पहनने की अपील कर रहे हैं और मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है, उसके बावजूद भी लोग मास्क नहीं पहनते हुए नजर आ रहे हैं और खुले तौर पर कोरोना को आमंत्रण दे रहे हैं। बाजार में पुरुष या महिला किन्हीं के चेहरे पर नजर नहीं आ रही है मास्क। ऐसे में पुलिस फिर से अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है। चौक चौराहों पर पुलिस की चेकिंग अभियान चलाकर लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक कर रही है। वहीं यातायात प्रभारी नागेंद्र राम खुद से चौक चौराहे पर माइकिंग के जरिए लोगों से मास्क पहनने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन के निर्देश अनुसार पूरे शहर में आज 2-4 बजे के बीच में मास्क चेकिंग का कार्यक्रम चलाया गया है। जो भी बिना मास्क पहने हुए व्यक्ति पकड़े जाते हैं उन्हें मास्क फाइन किया जाता है, उसमें 50 रुपये का चलान जमा किया जाता है और उसके वजह में मास्क दिया जाता है। क्या अपील रहेगी सर लोगों से, जिलेवासियों से क्या अपील रहेगी? सभी जिलावासियों से यही अपील है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहनकर ही निकलें बेहतर है, ताकि लोगों को भीड़ भाड़ इलाका में एक दूसरा से बचाव हो सके। भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं करना है, ये सब गाइडलाइन सरकार का जो है उसका अनुपालन करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बस के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।